कि अभी खाली में हमारे जो धर्म गुरु चौदहवीं दलाई लामा जी को लेकर विश्वभर में किस एक दो लोगों ने लेकर इसको लेकर कुछ ट्विटर और फेसबुक में लेकर कुछ आलोचना किया, तो मैं भी यहाँ से इसके समर्थन करते हुए जो हाल ही में हमारे जो भारत केंद्र सरकार के जो डायरेक्टर थे श्री नीरज कुमार जी ने जो इस सभा में एक वो भी एक सदस्य था आने वाले था, तो उन्होंने भी कुछ फ्यूचर में कुछ लिखे गए हैं। तो इस तरह के जो मन से हमें चाहे कोई भी चाहे दुनिया विश्वभर से हो चाहे भारत की कोई भी क्षेत्र से हो जो हमारे बौद्ध धर्म को लेकर हमारे जो विश्व गुरु है चौदहवीं दलाई लामा जी को लेकर अगर उसमें कोई अपनी उंगली उठाते हैं कोई उसके बारे में जो उसको लेकर उल्लेख करते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से मैं उसके प्रोटेस्ट करता हूं और इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए ये अपनी तरफ से बात रखना चाहूंगा। आज ये दिन जो हमारे लिए खास करके हमारे जिमीदांग क्षेत्र के लोगों के लिए हमारे तौल वासियों के लिए बहुत ही एक पवित्र दिवस दिन है। आज यहाँ जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन नालंदा बुद्धिस्ट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इस पावन स्थल जिमीदांग को चुना इस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन को यहाँ पे आयोजित करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही आज इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सम्मेलन को लेकर बहुत ही किस्मत वाले समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे इतने लर्नेड रिमचेस के बीच हमारे यहाँ के जो जिमीदांग के जो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद मिला। और खास करके मैं इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये जो नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज हैं उन्होंने हमारे जो जितने भी जो भारत के क्षेत्र जो जितने भी जो हिमालयन रीजन है उसके जितने भी जो बुद्धिस्ट के गुरुस हैं रिम्पोचेस हैं रेवरेंट मॉन्क्स हैं और हम जितने भी जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं हम सबको एक सूत्र की माला में जोड़कर रखा हुआ है। आज इस सम्मेलन के माध्यम से हमें यहाँ सिक्किम के लोग हिमाचल के लोग उत्तराखंड के लोग और हमारे विभिन्न अरुणाचल के जिले से आए हुए जितने भी जो बुद्धिस्ट मेंबर्स हैं हम सबको मिलने का मौका मिला रूबरू होने का मौका मिला और इस आने वाले समय में हमारे जो बुद्धिस्ट को लेकर जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर हमें यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हमारे जो जितने भी जो लर्नेड मेंबर्स हैं उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो सम्मेलन से हमारे जो बुद्धिस्ट के चैलेंजेस हैं आने वाले समय में तो उसको लेकर किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए तो उसके लेकर हमें काफ़ी मदद मिलेगा। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हमारे जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं खास करके हमारे जो युवा क्षेत्र है युवा पीढ़ी है उसको लेकर किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए ये हमारे लिए एक मेन एक सोचना का एक सब्जेक्ट रहेगा। आज देखा जाए तो हमारे जितने भी जो ये हिमालयन बुद्धिस्ट के जितने भी जो यहाँ के लोग हैं हमारे भाषा अलग है लेकिन हमारे खाना पीना सब एक ही है लेकिन हमारे स्क्रिप्ट जो है हमारे जो स्क्रिप्ट है वो एक ही है वो बोध स्क्रिप्ट है। तो इस तरह हमारे जो ये ट्रेडिशन है अपना रिलीजन है वो हम सबको बांध कर रखा हुआ है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है युवा पीढ़ी है उसको हमें खास करके चिंता करना है उसको लेकर हमें जो आने वाले बोधी जो लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट है वो उनको किस तरह से लेकर स्कूलों में प्रचार करना है हमारे जो मानसिक जो स्कूलों में है उसको लेकर आगे किस तरह से बढ़ाया जाना है इस विशेष रूप पर हमें ध्यान देना होगा। और खास करके जैसे मैं अपने आप को एक जो रिलीजियस मैटर में आता हूँ तो मैं अपने आप को एक ले मैन की तरफ मैं आपने को देखता हूँ तो मॉनेस्ट्री के जितने भी जो हमारे धर्म गुरु हैं और जो आम आदमी पर जो पब्लिक है उसके बीच में जो संबंध है उसको और कैसे मजबूत करना है उस पर हमें इस पर सोचकर ध्यान खींचना बहुत जरूरी है। और यही नहीं और सरकार की तरफ से जो हमारे धर्म को प्रचार आगे बढ़ाने के लिए सरकार का जो विशेष ध्यान किस तरह से लेकर आना है इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लोचन निर्मिचे ने कहा कि अभी खाली में हमारे जो धर्म गुरु चौदहवीं दलाई लामा जी को लेकर विश्वभर में किस एक दो लोगों ने लेकर इसको लेकर कुछ ट्विटर और फेसबुक में लेकर कुछ आलोचना किया तो मैं भी यहाँ से इसके समर्थन करते हुए जो हाल ही में हमारे जो भारत केंद्र सरकार के जो डायरेक्टर थे श्री नीरज कुमार जी ने जो इस सभा में एक वो भी एक सदस्य था आने वाले था
तो उन्होंने भी कुछ फ्यूचर में कुछ लिखे गए हैं। तो इस तरह के जो मंच से हमें उसका चाहे कोई भी चाहे दुनिया विश्व भर से हो, चाहे भारत की कोई भी क्षेत्र से हो, जो हमारे बौद्ध धर्म को लेकर हमारे जो विश्व गुरु है 14वीं दलाई लामा जी को लेकर अगर उसमें कोई अपनी उंगली उठाते हैं, कोई उसके बारे में जो उसको लेकर उल्लेख करते हैं, तो हमें उसे पूरी तरह से मैं उसके प्रोटेस्ट करता हूँ और इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए ये अपनी तरफ से बात रखना चाहूँगा। आज देखा जाए तो हमारे धर्मगुरुओं को भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, खासकर के हमारे जो जितने भी जो मोनेस्टिक है, जो स्कूलों है, उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अगर मैं विशेष मैं अगर मैं संक्षेप में अपने बारे में कहूँ, अपने जिले के बारे में कहूँ, तो हमारे तवांग में जो तवांग मोनेस्ट्री है, तो उसमें एक परंपरा रहा कि हमारे जो तवांग में अगर 3 लड़का हुआ करता था तो सेकंड सन को उसमें हमारे मॉन्क के रूप में भेजा जाता था। ये हमारा एक परंपरा था, हमारा एक प्रैक्टिस था। लेकिन जैसे समय चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिला। आज देखा जाए तो हमारे वहाँ पे मॉन्क से काफ़ी अच्छे नंबर में मॉन्क से, लेकिन जो हमारे जो एक सिस्टम रहा कि हमारे जो तवांग मोनेस्ट्री में जो अगर 3 लड़के होते हैं तो सेकंड सन को ये लामा में भेजना था, तो इस तरह का प्रैक्टिस जो है हम वो विलम्ब होते वक्त देखने हमारे जो इस रिलीजियस में भी देखने को मिलता है। तो ये सब में लेकर हमारे जो धर्म गुरु है, हमारे जितने भी जो संघ मेंबर्स हैं, लामाओं हैं, तो इसको लेकर हमें चिंता करना जरूरी है। हमें ये सोचना चाहिए कि कमी कहाँ से हो रहा है, चाहे हमारे जो मॉन्क्स की तरफ से हो रहा है, या सरकार की तरफ से हो रहा है, या हमारे मोनपा सदस्यों की तरफ से, मेंबर्स की तरफ से कहीं इस रिलीजन मैटर को लेकर सोचने में कुछ कमी हो रहा है। इस तरह का अनेक जो हमारे चैलेंजेस जो विशेष करके हमारे रिलीजन मैटर में हैं, अपने कल्चरल प्रिजर्वेशन में हैं, अपने ट्रेडिशन को किस तरह से बचाए रखना है, तो ये सब में हमें चिंता करना बहुत जरूरी है। अंत में मैं इस मंच से आशा करता हूँ, मन से अपनी कामना करता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह के जो सम्मेलन जो हमारे नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर जो यहाँ पे इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो हुआ है, तो आने वाले समय में भी मैं इसी तरह जितने भी जो हमारे यहाँ पे दूर दराज इलाकों में भी जाकर इस तरह के सेमिनार्स में इस तरह के सेमिनार जो आयोजित करेंगे आने वाले समय में भी, इससे हमारे जितने भी जो यहाँ के भारतवर्ष में जो हिमालयन में जितने भी जो बुद्धिस्ट हैं उन सबको काफ़ी फायदा होगा, मैं आशा करता हूँ। आज मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने दूर दराज में जो आप 14 से आज 17 अप्रैल है, तो इन 3-4 दिनों में इतने दूर से आप यहाँ पे जो हमारे जो इस बॉर्डर जीढ़ंग जो फंक्शन वैली में आए, इतना तकलीफ होकर आए अपने यहाँ के जो यहाँ के लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए, यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, और हमारे जितने भी जो बुद्धिस्ट हैं उसको एक सूत्र में बांधने के लिए यहाँ पे जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।